हम करने जा रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2021 कक्षा 9वीं की ये परीक्षा है। कुल 80 मार्क्स का ये पेपर है, 3 आवर्स में आपको करना था। आइए इस पेपर के हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको ये पैसेज पूरी तरीके से रीड करना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर हुम डिड गॉड क्रिएट द अर्थ। गॉड ने किसके लिए अर्थ यानी पृथ्वी को क्रिएट किया है, तो यहाँ पर लिखा है ऑल लिविंग, तो हमें फॉर ऑल यहाँ पर आंसर राइट करना है। व्हाट डिड द मीनिंग ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा निवास है, प्राकृतिक निवास स्थान, जिसे यहाँ पर दिया गया नेचुरल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। थर्ड क्वेश्चन इज हु हैज़ टॉर्चर्ड एनिमल एंड फॉर वॉट। कौन एनिमल को टॉर्चर करता है और क्यों करता है, तो यहाँ पर हम इसका प्रश्न देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, हु यानी यहाँ पर है ह्यूमन, यहाँ पर ही जो लिखा है ही वॉन्टेड टू वर्ल्ड वेयर हार्मनी एंड पीस प्रिवेल्ड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैन बिकेम सो क्रूअल एंड सेल्फिश सो ही स्टार्टेड थिंकिंग अ प्लैनेट्स वॉज मेड फॉर हिम। ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स ऑफ साइंटिफिक रीजंस। ही स्ट्रिप्ड फीलिंग देयर पेन्स। ही टॉर्चर्ड देम। ये आपका आंसर ही से अर्थ है मैन, यानी यहाँ पर आपको लिखना है मेन टॉर्चर्ड एनिमल्स और केप्ट स्मॉल केज, और यहाँ पर मेन है स्कर्ट फॉरेस्ट। आप यहाँ से लेकर आपका आंसर यहाँ तक के लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन विच माइंडसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो माइंडसेट ह्यूमन ने बना चुका है जो कि करेक्ट नहीं है, तो एक हमने देखे अभी यहाँ पर कि ये वाला है मेन जो है बिकेम सो क्रूअल, ये यहाँ से लेकर आपको मेड माई ओनली फॉर हिम। फोर्थ हमने अभी देखा। फिफ्थ इज हु इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, और इसका आंसर है वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न में हम देखते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यहाँ पर भी आपको ये पैसेज को पूरा यहाँ से यहाँ तक रीड करना है, इसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ इनवैल्यूएबल। द आंसर इज वैल्यूएबल। व्हाट इज द वर्ब ऑफ वेस्टेज। द आंसर इज वेस्ट। वाई शुड नॉट वी वेस्ट वाटर। हमें वाटर वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो हम इसे बहुत से यहाँ पर लिख सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। नो वन, यहाँ से हम लिख सकते हैं नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। वाटर के बिना हम कोई जी नहीं सकते, बच नहीं सकते, इसलिए हमें देर इज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोबेबली वाटर ऑन द अर्थ। वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ ओशन। यहाँ तक हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड है देर इज अ लॉट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वाई डज एवरीथिंग से दैट वाटर कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर। वाटर कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है, क्योंकि पानी तो बहुत सारा है, फिर भी हमें इसका आंसर ये बताना है कि वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ ओशन। हमें ओशन यानी समुद्र का पानी, महासागरों का पानी नहीं पीना है, सो वी शुड सेव वाटर। इसलिए हमें वाटर को सेव करना है। व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। कौन सी चीज़ है जो कि पॉसिबल करती है अर्थ में जीने के लिए, तो हम वाटर अगर लिखें यहाँ पर, वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। थर्ड क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर भी आपको ये पैसेज रीड करना है और इसके बाद आपको आंसर देना है। वेयर वॉज द मैन वॉकिंग। मैन कहाँ चल रहा था, तो आंसर इज थ्रू अ डिजर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो डिजर्ट वर्ड लिखा है। व्हाट डिड ही फाइंड नियर बाय, क्या वो पास में पाता है। ही फाउंड अ ट्री। यहाँ पर आंसर ट्री। हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गेट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। आपको बताना है कि वो कैसे फील करता है। द ट्रेवलर वॉज हैप्पी एंड ड्रिंक वाटर। यहाँ तक आप लिख सकते हो। हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। कौन फ्रूट्स देता है ट्रेवलर को, तो यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में वो ट्री को थैंक्स करता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। What did the traveler do before continuing his journey? जर्नी में जाने से पहले वो क्या करता है, तो आंसर में हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं कि ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यू हिज जर्नी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज रीड द पैसेज। यहाँ पर भी आपको एक पैसेज को रीड करना है और बताना है इसके आंसर। सो विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आंसर इज माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर विच की जगह आप माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं। हाउ मेनी पीपल ट्राई टू क्लाइम। यहाँ पर आंसर में हम लिख सकते हैं एवरी ईयर से लेके 700 पीपल ट्राई। थर्ड व्हाट आइटम्स ऑफ डू क्लाइंबर्स लीव ऑन स्लोप्स। यहाँ का इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होकर बॉटल फूड्स आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन स्लोप्स, यहाँ तक इसका आंसर हो सकता है। व्हाट इविल
व्हाट आर द इविल इफेक्ट, बुरे प्रभाव बताना है हमको. तो यहाँ से इसका आंसर, इट इज़ डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. यहाँ तक इसका आंसर है. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, आपको टाइटल बताना है. जैसे कि हम टाइटल मालूम है माउंट एवरेस्ट, तो आंसर इज माउंट एवरेस्ट ही होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी एंड देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स है. एनी फाइव कोई पाँच ही आपको यहाँ पर करना है. श्वेता इज सिटिंग, यहाँ पर हमें बिटवीन का फिल करना है. आई एम अ डॉक्टर, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी हैज रीड मैनी बुक्स, माई फादर रीड्स माई द बुक इज ऑन द टेबल, योर ट्राउजर्स इज नॉट फिट, फ्राइडे कम्स, फ्राइडे जो आता है बिफोर सैटरडे, सैटरडे के पहले. यहाँ पर आपको कुछ ट्रांसलेशन करना है. क्वेश्चन नंबर सिक्स में वर्षा हो रही है, तो वी हम जिसे कह सकते हैं इट इज़ रेनिंग, आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे. रोहन कहाँ रहता है, वेयर डज रोहन लिव. तुम मेरे मित्र हो, यू आर माय फ्रेंड. माय फादर, मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, देर आर 10 रूम्स इन माय स्कूल. मैं आज खुश हूँ, टुडे आई एम हैप्पी. आज बुधवार है, टुडे इज वेंसडे. इस प्रकार यहाँ पर हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, आपको बताना है द अल्फाबेट विच कम्स आफ्टर यू वी, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड ऑनर एच, विच लेटर विल मेक मीनिंगफुल वर्ड राइट. यहाँ पर हमें आई का उच्चारण करना है. माय ब्रदर डिलीवर्स लेटर, जो डिलीवर्स करते हैं लेटर उसे हम पोस्टमैन कहते हैं. वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली, विच नेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, एंड द आंसर इज हरिश्चंद्र. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जो कि एप्लीकेशन आपको लिखना है प्रिंसिपल को. यहाँ पर आपका नाम अंकिता दुबे बताना है आपको, और स्कूल का नाम आपको सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर बताना है, और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लिखना है. ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको पुराने वीडियो में हमें मिल सकते हैं. नेक्स्ट ऐसे, ऐसे में आपको चार ऐसे दिए गए जिसमें से कोई वन ऐसे आपको करना है. पिछले वीडियो में हमने वंडर ऑफ साइंस का एक ऐसे आपको लिखवाया था, जो ऐसे आप इसमें लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो, आपको एक रीड करना है, और उसके बाद रीड करने के बाद यहाँ पर आपको अब वो पैसेज की सुटेबल टाइटल, टाइटल बताना है. टाइटल हम यहाँ पर ट्री बता सकते हैं, क्योंकि ट्री के बारे में पेड़ है ये. और नोट्स बनाना है हमें, कुछ पॉइंट्स डालकर इसमें नोट्स बना सकते हैं. सेकेंड राइट समरी ऑफ द पैसेज, समरी बनाने के लिए हमें इस पैसेज में जो खास चीज़ें हैं उन लाइन्स को समरी के रूप में लिखकर हम बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको पैसेज दिया गया है, जो कि अपनी बुक से है. यहाँ पर आपको बताना हु इज़ बीइंग रिफर्ड हेयर अ सी सी, यहाँ पर इवेलिन ग्लेनी के लिए यूज़ किया गया है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इवेलिन टुक एडमिशन इन, यहाँ पर आपको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक बताना है. हाउ मेनी पीपल्स परफॉर्म अ सोलो, सोलो परफॉर्मेंस यानी एकल होता है जो कि वन होता है. मेंशन सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इवेलिन ग्लेनी एट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, आपको कुछ उसकी अचीवमेंट्स बताना है. जैसे कि हम बता सकते हैं कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स से उसे परफॉर्मेंस के तौर पर दिया गया था. इसी प्रकार और, यहाँ पर और यानी आपको या तो ये वाला पैसेज करना था या तो फिर बी वाला, इसमें भी आपको इसी प्रकार से चूज़ करके बतलाना है. थर्ड में भी, ट्वेल्थ नंबर में आपको रीड द फॉलोइंग फिर आपको यहाँ पर करना है. तो यहाँ पर दिया है, पहला प्रश्न हम देखते हैं द लिटिल गर्ल हु वाज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो यहाँ पर हर फादर आंसर सही है. ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द पैसेज आंसर्ड रिस्पॉन्डेड. व्हाट इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फेंट फेंटर एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन केजिया हैव विद हर फादर, फादर से रिलेशनशिप आपको पैसेज से ढूंढ के बताना है. तो इस प्रकार आपको कोई एक ही यहाँ पर करना था. नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर आपको 13 में क्वेश्चन आंसर करना है आपको, जो कि एनी फोर कोई चार ही यहाँ पर करना है. हमारे पिछले वीडियो में आप ये क्वेश्चन आंसर देख सकते हो. यहाँ पर भी आपको एक पोएम दी गई है क्वेश्चन नंबर 14 में. इस दो पोएम है यहाँ पर, एक ये है और इसी के नीचे आपको और करके ये पोएम, दो में से कोई एक पोएम आपको करना है. हम देखते हैं एक पोएम द रोड्स डाइवर्ज वाली. व्हाट डज डाइवर्ज मीन, डाइवर्ज मीन्स होता है टू बी सेपरेटेड. एंड व्हाट डज येलो वुड, येलो वुड मीन्स होता है फॉरेस्ट विद येलो लीव्स
in the autumn season. And third is, the traveler could not travel both the roads. How did he feel? So he feels, he is in confusion. हम यहाँ पर बता सकते हैं. इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पोएम्स में से क्वेश्चंस करने हैं. एनी फोर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं. इस प्रकार हम अपना टेस्ट कंप्लीटली अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.